इस शहर में चोरी चकारी के वारदात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर में तो क्या, पूरे देश में जुर्म बढ़ गया है, और इस जुर्म को मिटाना होगा, और इसे हम मिटाएंगे। हमारी सुरक्षा पार्टी मिटाएगी। हमारा नारा है, हमें जिता दो, जुर्म को मिटा दो। भले राम जी। देखना, 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 सारे संसार तुम देखना, आगे चलकर हमारी सुरक्षा पार्टी सुरक्षा मंत्रालय कराएगी, और हम इस देश के सुरक्षा मंत्री कहलाएंगे। भले राम जी, एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, इतना आगे मत बढ़िए, अब आप नेता ना ही रहे। 7 बार इलेक्शन हारने के बाद 5 महीने पहले आपने ये सिक्योरिटी एजेंसी खोली है, जिसका आज तक एक भी कांटेक्ट नहीं आया। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, अच्छा है, ये बिना तनख्वाह के नौकरी कर रहे हैं, हा? और इसका पहले 8 सिक्योरिटी गार्ड आपका भाषण सुन सुनकर बाहर भाग चुके हैं। अगर ऐसा ही भाषण जारी रहा तो ये 6 भी 9, 2, 11 हो जाएंगे, आप देखते रह जाओ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमको क्या करना चाहिए? देखिए, भाषण बंद कर दीजिए, सब सुखी हो जाएंगे। अरे ना टाइम देखते हैं, ना जगह देखते हैं, शुरू कर देते हैं भाषण। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे तो काम ढूंढना भी तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? अरे कोई काम नहीं देता तो हम क्या करें? टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। अरे यार, ये कौन दरवाजे की घंटी बजा रहा है? अरे दरवाजे का नहीं, 5 महीने में पहली बार ई फोन का घंटी बजा है। उठाइए उठाइए, नहीं तो बंद हो जाएगी। उठाइए, बज गया यार। हेलो, नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रॉन्ग नंबर रहा ना? नहीं यार, ये कौन सदी चल रही है? 21। तो 10वीं सदी के महाराज बाबूशा की ताज की सिक्योरिटी का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे ये तो राजा बाबूशा का क्राउन है। ये आंटी, ये तुम्हें मालूम है राजा बाबूशा के क्राउन का एग्जीबिशन है? अरे बाबूशा का किंगडम छानपुरा पे मैंने कॉलेज में थीसिस भी लिखा था। ये साला 10th सेंचुरी का लोग बहुत पैसे वाला था, और क्या लाइफ था, 40-40 वाइफ था, और अपुन का नसीब में साला एक भी। और आंटी तुमको मालूम, उसका किंगडम में एक बहुत बड़ा घंटा था, उसकी आवाज से लोग उठ जाता था, और वहां का लोग सोना का लोटा लेके बाथरूम जाता था, सोना का लोटा। बाय गॉड आंटी, हम सोचता है हम भी मैजिक पावर से 10th सेंचुरी में चला जाए, फिर हमारे पास भी सोना का लोटा, सोना का बाथरूम, सोना का शावर, सोना ही सोना। तू मक्का लाइफ सोने के अलावा किया क्या? सोना माने गोल्ड आंटी, गोल्ड। ये देखो 10th सेंचुरी के बारे में, ये देखो, पहले ये सेंचुरी में अपना लाइफ संभालो, समझा तू? ओह माय गॉड, कितना टाइम हो गया ला है, कितना काम पड़ेला है मेरे को। पहले तो खड़ूस तावड़े की दुकान में जाकर बिल भरने का है, इलेक्ट्रिसिटी के लाइन में भी खड़ा होने का है, फिर अज्जू वी के काम को ब्रेकफास्ट भी बनाने का है। ए जॉनी, ए तुमको फोटो स्टूडियो में नहीं जाने का है क्या? बैठ के पेपर पढ़ता है, जाओ ना। ना कैसे ना आएगा वो अज्जू अभी तक बाथरूम में? हाँ, तारा री री रा 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 री रा रा। अबे कोई है? विकी के बच्चे, तूने पानी बंद किया? विकी बंद नहीं किया, आम किया। ओह दिया आंटी, आप 7 महीने से भाड़ा नहीं दिया, वाटर का टैक्स कौन भरेगा, तुम्हारा बाप? नहीं नहीं आंटी, बस डैडी बस पैसे भेजने ही वाले होंगे। तुम्हारा डैडी हमारा माफे की इडियट नहीं है जो तुम्हारा बात में आ जाएगा। इतना बड़ा घोड़ा हो गया, तुमको शर्म नहीं आता डैडी से पैसा लेता है? आंटी आप फिक्र मत करो, मैं इंटरव्यू दूंगा, नौकरी भी करूंगा, पर प्लीज ऐसा तो नहीं जा सकता ना। आप पानी ऑन करो, साबुन धोके मैं जाता हूँ। टॉवल से पोंछ कर बाहर निकलो, पानी खलास। टूट गया, टूट गया। इतना बड़ा नुकसान, तुम हमारा फर्नीचर तोड़ डाला? वो आंटी वो नया टेक्निक सीख रहा था, वो प्रैक्टिस एकदम सॉलिड लग रहा था, मालूम नहीं कैसे टूट गया। आउच आउच, निकलो हमारे घर से बाहर, निकलो निकलो निकलो, मुफ्त का खाता है, मुफ्त का रहता है, ऊपर से हमारा फर्नीचर भी तोड़ता है, जाओ। अरे तुम जाता क्यों नहीं? कैसे जाऊं, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं ठहरा बेसहारा अनाथ। आप भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? माँ, माँ, तुम हमको माँ बोला? हाँ माँ। मेरा बच्चा। इसकी बातों में मत आना आंटी, कल वो दुकानदार है ना अपना, खड़ूस तावड़े साला, उससे उधार लेने के चक्कर में उसको अपना बाप बना रहा था। छी 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 छी,
देखो तुम लोग सीधे तरह हमारा 10,000 rupees दे डालो बस। क्या? जब तक हमारा पूरा का पूरा भाड़ा नहीं देगा। आंटी पर वो तो 9,500 rupees है ना? हाँ, ना? और जब भी टेबल तोड़ा उसका 500 नहीं लेंगे क्या? अरे एक सेकंड पर मैंने थोड़ी ना तोड़ा। अरे ठीक है यार, वो मैं वो काम मिलते ही वो सब चुका दूंगा। काम मिलते क्या मतलब? वो तुमको एक्टिंग वैक्टिंग का काम मिला था उसका क्या हुआ? अरे आंटी वो भी कोई काम है क्या? 100 एक्टर में मैं भी एक। अरे क्या आंटी, ये जो आपका विकी है ना आंटी, विकी ये बहुत बड़ा हीरो बनने वाला है। अच्छा? इमेजिन राम गोपाल वर्मा की मुझ पर नजर पड़ेगी। वो सुभाष गाई से मेरी सिफारिश करेंगे। हाँ। सुभाष गाई मेरे को बोलेंगे विकी तू बॉलीवुड में क्या कर रहा है, तुझे तो हॉलीवुड में होना चाहिए। हाँ। वो बोलेंगे जा विकी जा स्टीवन स्पीलबर्ग से जाके मिल, स्टीवन स्पीलबर्ग तो मुझे रोल दे ही देगा आंटी। जरूर, चिकन रोल या मटन रोल? मतलब तुम काम छोड़ डाला? अरे छोड़ो ना आंटी, साला बैठे बैठे सारा दिन फेंकता है। ये बताइए आज आप हमारे सामने क्या फेंक रही हैं? क्या क्या मतलब नाश्ते में क्या दे रही हैं आंटी? नो नाश्ता वास्ता, तुम दोनों अभी कान खोलकर हमारा बात सुन लो। हाँ, तुम बैग करो, बोरो करो या स्टील करो, नो, मतलब कि भीख मांगो, उधार मांगो, नहीं तो चोरी करो, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर हमको हमारा मनी मांगता बस। डू यू गेट इट? Do you get it? मारिया जॉन। हाँ। कल हमको काय को फोन नहीं किया? आंटी घर पे था ना। ओ हाँ? नो प्रॉब्लम, ये देखो हम तुम्हारे पास से लाया। ओ वाव। लेकिन जॉन हाँ? इसे सिर्फ मेरे को फोन करने का। ओके। और फोन नहीं किया हाँ? तो मैसेज करने का। ओके। और इसके बारे में आंटी को नहीं बोलने का। ओके, ओके। आंटी हम तो थोड़ा शुगर मांगने आया था। ये लो शुगर, हमको मालूम था तुम ही चाया होगा। ओके जॉन, हम कटोरा देने वापस आएगा। नो नो नो, ये कटोरा भी तुम्हारा ही है, पिछला टाइम इधर रह गया था। बाय जॉन। बाय बाय बाय। ए जॉनी इधर देखो, तुम मारे जैसा डेंजर चोकरे से तुमको दूर रहने का, समझा तुम? उसका कपड़ा तो देखो, जितना पहनता उतना भी पहनने का क्या जरूरत है? आई नो। शट अप, तुम्हारा मदर को प्रॉमिस किया अच्छा छोकरी को देखकर तुम्हारे साथ शादी बनाएगा, लेकिन ये मारिया वारिया ठीक नहीं है। हाँ हाँ, अभी सैंड्रा रूबी और किटी के बारे में भी आप ऐसा ही बोलता था आंटी। बनाएगा, बोल देना बनाएगा। अच्छा छोकरी मांगता कि नहीं मांगता? मांगता है ना। अब जाओ काम पे जाओ, ये तुम्हारा 20 rupees। 20 rupees? 9 rupees बस में जाने के वास्ते, 9 rupees वापस आने के वास्ते। 2 rupees बचेगा, क्या करेंगे? क्या करूंगा? चॉकलेट खाएगा बच्चा। ये मारिया वारिया नहीं। हाँ जीसस क्राइस्ट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो गया मेरा शादी। ऐसा अपन लोगों के साथ ही क्यों होता है यार? क्या होता है? यही कि जॉनी को मारिया नहीं मिलती, मेरे को पिक्चर में रोल नहीं मिलता, और अज्जू तुझे नौकरी और छोकरी दोनों ही नहीं मिलती। हाँ यार, ये तो सोचने की बात है। चलो सोचते।